हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ अ स्ट्रेंज केस। स्ट्रेंज होता है अजीब, केस होता है किस्सा, एक अजीब किस्सा। अडेप्टेड फ्रॉम द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर याइकिल एंड मिस्टर हाइडर बाय आरएल स्टीवनसन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी? एडवांटेजेस होते हैं फ़ायदे, डिसएडवांटेजेस होते हैं नुकसान। क्या फ़ायदे और नुकसान हैं टेक्नोलॉजी के? हैव अ शॉर्ट डिस्कशन इन योर क्लास। अपनी क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करिए। टेक्नोलॉजी क्या है? कंप्यूटर्स, फ़ोन्स, टीवीज, रेडियोस, ये सब टेक्नोलॉजी है जो न्यू इन्वेंशन हुई है, जिसके हमें फ़ायदे भी हैं बहुत सारे और नुकसान भी। इसी के बारे में आपने अपनी क्लास में डिस्कस करना है। सो लेट्स मूव ऑन। कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स बाय अ स्ट्रेंज क्रिएचर इन एन इंग्लिश टाउन हैव मेड हेडलाइंस। नोबडी हैज़ एनी क्लू अबाउट द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ हिज मॉन्स्टेरियस बीइंग। रीड ऑन टू फाइंड द मिस्ट्री अनरिवीलिंग। इंग्लिश टाउन में ये हेडलाइंस, ये बात चल रही थी कि एक स्ट्रेंजर यानी अजनबी, जो अजीब से दिखने वाला क्रिएचर है, जो बहुत ही निर्दयता से मर्डर करता है, किसी को भी डरावने से दिखने वाले क्रिएचर की आइडेंटिटी का क्लू नहीं था। इस मिस्ट्री को पढ़िए और इसका पर्दा फाश करिए। मिस्ट्री होती है पहेली। द क्लॉक हैड स्ट्रक 12। समवन नॉक्ड जेंटली ऑन द डोर। आई वेंट टू आंसर द डोर माईसेल्फ। देयर वॉज अ स्मॉल मैन क्राउचिंग अगेंस्ट द पिलर ऑफ द पॉर्टिको। क्राउचिंग होता है दुबकना, पॉर्टिको होता है बरामदा, जिसे आप आंगन भी कहते हो। घड़ी पर 12 बज चुके थे और किसी ने दरवाजे पर धीरे से खटखटाया। मैं खुद गया दरवाज़ा खोलने। एक छोटा सा आदमी बरामदे के खंभे के पास दुबक रहा था। वो आंगन के पिलर के पास सहमा सा बैठा हुआ था, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। हैव यू कम फ्रॉम डॉक्टर याइकिल्स, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या तुम डॉक्टर याइकिल के यहाँ से आए हो? यस, ही रिप्लाइड। हाँ, उसने जवाब दिया। व्हेन आई टोल्ड हिम टू एंटर, ही थ्रू अ ग्लांस एट द स्क्वायर एज इफ ही वर सर्चिंग फॉर समथिंग। जैसे ही मैंने उसे अंदर आने को बोला, उसने अपनी एक नज़र आंगन के चारों ओर डाली, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहा हो। ग्लांस होता है झलक, स्क्वायर होता है चौक या फिर बरामदा आंगन। देर वॉज अ पुलिस मैन नॉट फॉर ऑफ एडवांसिंग विथ हिज बुल्स आईज ओपन एंड एट द साइट। आई थॉट माई विजिटर स्टार्टेड एंड मेड ग्रेटर हैस्ट। हैस्ट होता है जल्दबाजी। वहाँ पे एक पुलिस मैन था जो कि ज़्यादा दूर नहीं था और अपनी बड़ी बड़ी आँखों के साथ देख रहा था, और मैंने जल्दी से उसे बुलाया स्ट्रेंजर को, और वो जल्दी से अंदर आ गया, जैसे कि उसे बहुत जल्दबाजी थी। दिस पर्सन वॉज ड्रेस्ड इन अ फैशन दैट वुड हैव मेड एन ऑर्डनरी पर्सन लाफेबल। ये जो इंसान था, इसने ऐसे कपड़े पहने थे कि कोई फैशन नहीं दिख रहा था, कि कोई एक साधारण सा आदमी अगर उसे देखता तो उसे हंसी आ जाती। इस तरह उसने कपड़े पहने हुए थे। हिज क्लॉथ्स दैट इज टू से ऑल्दो वर ऑफ रिच एंड सॉबर फैब्रिक। जो उसने कपड़े पहने थे वो बहुत ही रिच और सिंपल से कपड़े के थे। वर एनॉर्मसली लार्ज फॉर हिम इन एवरी मेजरमेंट। एनॉर्मसली होता है बहुत ज़्यादा बड़ा। और जो उसने कपड़े पहने थे वो इतने बड़े बड़े थे कि ऐसे लग रहा नहीं था कि वो उसके मेजरमेंट यानी उसके नाप के थे। द ट्राउज़र हंग ऑन हिज लेग्स एंड वर रोल्ड अप टू कीप देम फ्रॉम द ग्राउंड। उसका ट्राउज़र जो था वो उसकी टांगों के ऊपर ही लटक गया था और वो नीचे से पूरा गोल गोल सा हो गया था। द वेस्ट ऑफ द कोट रीच बिलो हिज हॉन्चिस। हॉन्चिस होता है लेग्स का जो टॉप पोर्शन होता है, उसे कहते हैं। जो कोट का वेस्ट साइज था वो उसके लेग्स के नीचे लटका हुआ था। जो कॉलर्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे, जो कि उसके शोल्डर तक आ रहे थे। आई मेड दिस ऑब्जर्वेशन इन अ फ्यू सेकेंड्स। माई विजिटर वोर अ सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एंड लुक एगिगेटेड। हैव यू गॉट इट, ही क्राइड। हैव यू गॉट इट,
and so lively was his impatience that he even laid his hand upon my arm and shook me. मैंने उसको कुछ ही सेकंड में ऑब्जर्व कर लिया और वो जो स्ट्रेंजर जो मेरे घर आया था वो बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ था. उसके फेस पे बहुत ही गंभीर से एक्सप्रेशन थे, एजिटेटेड होता है एक्साइटेड, और वो बहुत ही एक्साइटेड लग रहा था. क्या आपको मिल गया, वो रोने लगा, क्या आपको मिल गया. और वो इतना उत्सुक था कि उसने ये पूछकर मेरे शोल्डर पर हाथ रख लिया और मुझे हिलाने लगा. एंड आई सी पैंग रश्ड अलोंग माई ब्लड. आई पुट हिम बैक. कम सर, आई सेड, यू फॉरगेट दैट यू हैव स्टिल नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मी प्रॉपरली. बी सीटेड इफ यू प्लीज. एंड आई शोड हिम एन एग्जाम्पल बाई सिटिंग डाउन इन माई सीट एज कामली एज आई डिड वाइल सींग अ पेशेंट. बट माई मैनर्स वर अफेक्टेड बाई द लेटरनेस ऑफ और द नेचर ऑफ द जॉब इन हैंड एंड द हॉरर आई हैड फ्रॉम हैविंग सच अ विजिटर. पैंग होता है दर्द. अब कोई हमारे हाथ के ऊपर हाथ रख दे और उसे दबाए तो हमें क्या होगा, दर्द. तो जैसे ही वो स्ट्रेंजर उस पर हाथ रखता है तो उसके खून के अंदर तक दर्द हो जाता है. एक असहनीय दर्द उसके ब्लड में फैल गया. मैंने उसके हाथ को उठा के पीछे रख दिया. मैंने कहा आइए सर, और कहा कि अभी तक हम दोनों का अच्छे से इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है, बैठिए अगर आपको अच्छा लगे तो. और मैंने उन्हें एक उदाहरण दिखाया अपनी सीट पर बैठकर कि सीट पर शांति से कैसे बैठते हैं, और इतना शांत जैसे कि मैं किसी पेशेंट को देखते वक्त होता हूँ. उन्होंने उनको बैठ के दिखाया कि कैसे शांतिपूर्वक बैठते हैं, लेकिन जो उनके मैनर्स थे कि कभी टाइम वेस्ट नहीं करना, वो अफेक्ट हो रहे थे उस विजिटर के आने से. उनके जो जॉब का नेचर था वो अफेक्ट हो रहा था, और उनके मन में एक डर सा था जो उस विजिटर के आने के बाद से हुआ था. आई बेग योर पार्डन डॉक्टर लेनियन, ही रिप्लाइड सिविली इनफ. अब जो विजिटर आए थे डॉक्टर के घर पर, उन्होंने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर लेनियन, सिविली इनफ. सिविली इनफ मतलब बहुत ही विनम्रता से उन्होंने उनको रिप्लाई दिया कि सॉरी, व्हाट यू से इज़ करेक्ट, जो आपने कहा वो सब ठीक है. आई एम टू इम्पेशेंट टू बी पोलाइट. मैं भी पोलाइट होने के लिए काफ़ी अधीर हूँ. योर कलीग्स डॉक्टर हेनरी याइकिल इंसिस्टेड मी टू कम हेयर ऑन अ वेरी अर्जेंट बिजनेस. आपके जो कलीग हैं, जो आपके साथ वाले डॉक्टर हैं, काम करते हैं, जो डॉक्टर हेनरी याइकिल, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, यानी बोला कि मैं आपके पास आऊँ एक अर्जेंट बिजनेस के लिए. एंड आई अंडरस्टूड, और मैं समझ गया. ही पॉज्ड एंड पुट हिज हैंड टू हिज थ्रॉट. वो रुक गया और उसने अपना हाथ जो है अपने गले के पास रख दिया. एंड आई कुड सी इन स्पाइट ऑफ हिज काम मैनर, और मैं उसे देख रहा था उसके काम मैनर के साथ, दैट ही वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट अ पैनिक अटैक. मुझे लग रहा था कि उसे एक बहुत पैनिक अटैक हुआ है. ही रिज्यूम्ड, आई अंडरस्टूड डावर. उन्होंने दोबारा शुरू किया और मैं समझ गया डावर. बट हेयर आई टुक पिटी ऑन माई विजिटर. पिटी होता है दया, और यहाँ मुझे अपने विजिटर पर दया आई. देर इट इज सर, आई सेट पॉइंटिंग टू द ड्रॉर वेयर इट ले ऑन द फ्लोर बिहाइंड अ टेबल एंड स्टिल कवर्ड विद द शीट. ये यहाँ है सर, मैंने ड्रॉर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा. वह वहाँ पड़ा हुआ है नीचे फर्श पर टेबल के पीछे, और अभी तक एक शीट से ढका हुआ है, कवर्ड है. ही स्प्रैंग टू इट देन पॉज्ड एंड लेड हिज हैंड अपॉन हिज हार्ट. आई कुड हेयर हिज टीथ ग्रेट. हिज फेस वॉज सो गैस्टली टू सी दैट आई ग्रू अलार्म्ड फॉर हिज लाइफ. वो इस पे उछला और देन रुका, और अपना हाथ जो है अपने हार्ट पर, दिल पर रख के रुक गया. मैं उसके दांतों की कपकपाने की आवाज़ सुन सकता था. जो उसका चेहरा था वो बहुत ही घबराया हुआ, डरावना सा हो गया था, और मैं उसके जीवन की बढ़ता हुआ दर्द, डर जो था वो देख पा रहा था, और वो उसका जो डर था जीवन का वो जल्दी से अचानक से बढ़ गया. काम डाउन, आई सेड, मैंने कहा हौसला रखो. ही
passed a dreadful smile at me and plucked away at the sheet. उसने एक बहुत ही डरावनी सी स्माइल की मेरे सामने और उस शीट को उठा लिया. At the sight of the contents, he uttered one loud sob of relief. And the next moment, in a voice that was already fairly well under control, he asked, "Have you got a glass tube?" I rose from my place and gave him what he had asked for. ये सब देखते हुए उन्होंने एक बहुत ही चैन की रिलीफ की सांस ली. अगले ही पल उन्होंने बहुत ही अच्छी आवाज़ में अपनी वॉइस को दर्द भरी को कंट्रोल करते हुए मुझसे पूछा, क्या आपको एक ग्लास ट्यूब मिली? मैं अपनी जगह से उठा और उन्हें दिया जो वो मांग रहे थे. ही स्माइल्ड एंड थैंक्ड मी. उन्होंने स्माइल की और मुझसे शुक्रिया कहा. मेजर्ड आउट सम रेड टिंचर एंड एडेड वन ऑफ द पाउडर्स टू इट. उन्होंने उस ट्यूब में थोड़ा सा पाउडर मिलाया. द मिक्सचर विच वॉज एट फर्स्ट रेडिश इन कलर. वो मिक्सचर जो पहले रेडिश था कलर में, बिगिन एज द क्रिस्टल्स मेल्टेड. और वो ऐसे धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो रहा था जैसे कि क्रिस्टल जो हैं वो पिघल रहे हों, लाइक क्लियर वाइट ट्रांसपेरेंट. टू ब्राइटन इन कलर एंड टू थ्रो ऑफ स्मॉल फ्यूम्स ऑफ वेपर्स. सडनली एंड एट द सेम मोमेंट द बॉइलिंग स्टॉप्ड एंड कंपाउंड चेंज टू अ डार्क पर्पल. तो उन्होंने कुछ वेपर्स जो थे वो निकलने स्टार्ट हो गए. इतने में उसी क्षण बॉइलिंग पॉइंट जो था, जो उबलने का प्रोसेस था, वो रुक गया और जो कंपाउंड है वो चेंज हो गया डार्क पर्पल में, विच फेडेड अगेन मोर स्लोली टू अ वॉटरी ग्रीन. जो धीरे धीरे फिर से हल्का होने लगा और उसका रंग जो है वो वॉटरी ग्रीन, हरा जैसा होने लगा. माई विजिटर हु हैड वॉच्ड दिस ट्रांसफॉर्मेशन विद अ कीन आईज. मेरे विजिटर जो मेरे घर आए थे, जो कि अपनी आँखों से इन चेंजेस को देख पा रहे थे, स्माइल एंड सेट डाउन द ग्लास अपॉन द टेबल. हंसने लगे और उन्होंने उस ग्लास को टेबल पर रख दिया. ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं चेंजेस. देन ही पुट द ग्लास टू हिज लिप्स एंड ड्रैंक इट वन गल्प. तब उन्होंने उस ग्लास को अपने लिप्स के पास रखा और एक घूंट उसका पी लिया. अ क्राई फॉलोड. ही रील्ड स्टैगर्ड क्लचेज द टेबल एंड हेल्ड ऑन, स्टेयरिंग विद आईज वाइड ओपन, गैस्पिंग विद ओपन माउथ. एंड एज आई लुक्ड देयर केम आई थॉट अ चेंज. वह गिलास होठों पे रखकर एक ही घूंट में पीने लगे. उसके बाद एक रोने की आवाज़ आई और जैसे जैसे मैं सोच रहा था मैं वहाँ आया और अब अचानक से उसका चेहरा काला हो गया और सुविधाओं में परिवर्तन यानी चेंजेस आने लगे. ही सीम टू स्वेल. His face become suddenly black and the features seemed to melt and change. And the next moment I had sprung to my feet and leaped back against the wall, my arm raised to cover me from that monstrous image. उसका चेहरा धीरे धीरे सूज रहा था. स्वेल होता है सूजना. उसका फेस जो है वो ब्लैक हो गया. जो फीचर्स थे वो पिघलने लगे, चेंज होने लगे. और अगले ही मोमेंट, अगले ही क्षण उसके पांव जो हैं वो टंगने लगे और वो दीवार के पास चला गया. मेरी जो बाजू हैं वो खड़ी हो गई, जो मेरे फेस पे आ गई और मैं उस डरावने से इंसान से बच रहा था. आई वॉज इन टेरर. ओ गॉड. मैं घबराया हुआ था. हे भगवान. आई स्क्रीम्ड एंड ओ गॉड. मैं चिल्लाने लगा. ओ भगवान. अगेन एंड अगेन. मैं बार बार चिल्ला रहा था, हे भगवान, हे भगवान. फॉर देयर बिफोर माई आईज पेल एंड शेकन लाइक अ मैन रिस्टोर फ्रॉम डेथ. वैसे ही वो आदमी फेंट हो गया, उसका रंग हल्का होने लगा और वो डेथ तक पहुँच गया. स्टूड हेनरी याइकल हिमसेल्फ द मैन हॉन्टेड फॉर इन एवरी कॉर्नर ऑफ द लैंड एज अ मर्डरर. और जो इंसान है वो हेनरी याइकल खुद थे और जो मैन की चिल्लाने की आवाज़ थी वो हर कॉर्नर से आ रही थी जैसे कि वो खुद एक मर्डरर थे. सो आपको पता चला इसमें मर्डरर कौन था? डॉक्टर याइकल हिमसेल्फ. So I hope you understand well. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest updates. Thank you.